झंडे के दिन पेरेंट्स की पूजा होगी। जी हाँ, प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 14 फरवरी को स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। कल बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी को ऋतु परिवर्तन होता है, माँ सरस्वती की आराधना इस दिन की जाती है और बच्चों में संस्कार आए, बच्चों में हमारी संस्कृति की महक आए, इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्कूलों में बच्चों के माता पिता को बुलाकर मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में 14 फरवरी को मनाया जाएगा। तो बेहद ही खास पल होगा जब बच्चे अपने माता पिता की पूजा करेंगे और इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बसंत पंचमी को हमारे वेद पुराण शास्त्र अध्यात्म सब में माना जाता है कि ये ऋतु परिवर्तन का दिन है और इस दिन मां सरस्वती की आराधना की जाती है और इसलिए हमने तय किया है कि मां सरस्वती के पूजन के साथ साथ बच्चों में संस्कार आए, बच्चों में हमारी संस्कृति की महक आए, इसके लिए हमने निर्देश जारी किया है कि सभी स्कूलों में बच्चों के माता पिता को बुलाकर और मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंबिकापुर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा, केंद्र में सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर ये कांग्रेस की पहली गारंटी है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों को जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है, इसीलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी के ने अंबिकापुर से आगे न्याय यात्रा को कैंसिल कर दिया है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे और ये हमारी शुरुआत है। विधानसभा में वीआईपी रोड पर गोली चलने का मामला गूंजा है और धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रायपुर के बार क्लबों में गोलियां चल रही हैं, शराब के नशे में युवा नाच रहे हैं, बिलासपुर में भी ऐसा ही माहौल है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। सदन में अजय चंद्राकर ने कहा कि ये बड़ा दिलचस्प है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया गया है, उसके कथित रिपोर्ट पर 200 बिल पेश हो गए हैं, विधानसभा में बिल पारित नहीं हुआ और विधानसभा के रिकॉर्ड में पहली बार अशासकीय संकल्प आ गया। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट को या अनुशंसा या निष्कर्ष, जो शब्द आपको अच्छा लगे उसे सार्वजनिक करेंगे क्या? वही विधानसभा में प्रदेश में बढ़ते अपराध, कुनकुरी पुल निर्माण में देरी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वीआईपी रोड में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, युवा है, युवतियां हैं जो डांस कर रही हैं, रात भर बार में खुली जा रही है और जिस प्रकार से उसमें गोली चलाई जा रही घटना घट रही है, ये बेहद ही चिंताजनक विषय है और इसको मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया गया और लाने के बाद में हमने आग्रह किया है कि जो टाइम है उस टाइम अवधि के बाद में ये बारें बंद होनी चाहिए, दुकानें बंद हो जानी चाहिए। कि जो राजस्व 21 में आता था 22-23 में वो राजस्व कम हो गया
मतलब कोई सरकार में बैठे हुए लोग मुख्यमंत्री सहित पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाकर और अपना व्यक्तिगत फायदा करें, मैं सोचता हूं ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में धोखा है, विश्वासघात है और ये छत्तीसगढ़ के खजाने की चोरी और उसमें डकैती है।